दिल्ली में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई घटना के 81 घंटे बाद गुरुवार को 2.5 पेज की शिकायत दी। स्वाति ने उस दिन हुई घटना का पूरा विवरण पुलिस अफसरों को बताया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सूत्रों के मुताबिक स्वाति ने सीएम आवास पर अपने साथ बदसलूकी का आरोप सीएम के निजी स्टाफ पर लगाया। शिकायत देने के बाद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर अपना पक्ष भी रखा। बीते सोमवार को मालीवाल सीएम आवास पहुंची थी। उन्होंने वहीं से पीसीआर कॉल कर बदसलूकी का आरोप लगाया। इसके बाद वह सिविल लाइन थाने भी पहुंच गई, लेकिन शिकायत किए बगैर लौट आई। राज्यसभा सांसद के आरोप के बाद आप डैमेज कंट्रोल में जुटी और स्वाति को लेकर आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बयान दिया कि पार्टी उनके साथ है। बुधवार को संजय स्वाति मालीवाल से मिलने पहुंचे थे। पुलिस को स्वाति ने बताया कि सीएम आवास की लॉबी में उनके साथ बदसलूकी की गई है। मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा, मैं सीएम आवास के ड्राइंग रूम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी, तभी उनका पर्सनल स्टाफ आया और गालियां देने लगा, बिना किसी उकसावे के थप्पड़ मारा। मैंने शोर मचाया और कहा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, लेकिन वह मारता रहा और गालियां देता रहा, धमकियां देता रहा और कहा कि देख लेंगे, निपटा देंगे। उसने चेहरे पर मारा, पेट पर मारा। मैं भाग कर बाहर आई और पुलिस को फ़ोन किया। बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल एक टीम गुरुवार दोपहर 1:50 पर स्वाति मालीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके साथ हुई कथित बदसलूकी की घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस टीम करीब 4 घंटे तक मालीवाल के आवास पर रही। करीब 2.5 पेज के अपने बयान में स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बताया कि मुख्यमंत्री आवास की लॉबी में उनके साथ 13 मई को किस तरह से बदसलूकी की गई। स्पेशल टीम ने सुरक्षा आवास व्यवस्था सहित कई मसलों पर स्वाति मालीवाल से बात की। स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा खुद मालीवाल के घर उनके बयान दर्ज करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर आरोपी विभव कुमार के खिलाफ IPC की धारा 354, 506, 509 और 323 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं बता दें कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वाति मालीवाल के साउथ दिल्ली स्थित आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है।